अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मिठाई इतनी जायकेदार है कि मुंह में रखते ही घुल जाए, और इसे बनाने के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स किचन में ही मिल जाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये 1.5 कप सूजी, और ये है 1 कप शक्कर। शक्कर आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो अपने पे डिपेंड होता है कि हम कितना मीठा लेते हैं खाने में, कितना कम लेते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट 1/2 कप, 1/2 कप देसी घी। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने पैन, फ्लेम को ऑन कर लिया है, और यहाँ पे मैं डालूँगी देसी घी। देसी घी हम यहाँ डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और घी को गर्म होने देंगे, यहाँ पे घी गर्म हो जाए तभी इसमें सूजी डालिएगा, और हम डाल देंगे इसमें सूजी। गरम करके ही डालिएगा क्योंकि सूजी डालते ही पकने लगती है। तो हम इसको अब अच्छे से मिलाएंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सूजी अच्छे से देसी घी में कोट हो चुकी है, और 4 से 5 मिनट हो गया है हमने इसको फ्राई कर लिया है। खूब अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आने लगी है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना था हमको। और इस पॉइंट पर हम डाल देंगे कोकोनट 1/2 कप जो हमने लिया था, ये हम इसी में शामिल कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कलर नहीं बदलना है। डेसिकेटेड कोकोनट और सूजी दोनों ही हमारे डन हो गए हैं, और इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, और इसको एक बड़े से डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम डिश में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हमको अच्छे से ठंडा करना है। फिर से वही पैन मैंने ले लिया है, और इसमें डालेंगे हम शक्कर, और ये डाल देंगे हम 1 कटोरी पानी, और शक्कर को हम मेल्ट होने देंगे, हाई फ्लेम पे कर देंगे, शक्कर डिज़ोल्व हो जाए इसी में। शक्कर डिज़ोल्व हो गई है, और यहाँ पे देखिए बबल्स आने लगे हैं। तो आपको इस स्पैचुला पे नज़र रखना है कि हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे इस स्पैचुला में हम उठाएंगे ये चाशनी, और ये देखिए जब ये जल्दी जल्दी गिर रही है, और जो लास्ट का जो ड्रॉप गिर रहा है ये, तो यहाँ पे समझ जाइए कि जो लास्ट में ड्रॉप गिर रहा है, तो इससे साबित हो रहा है कि चाशनी हमारी एक तार वाली बनके रेडी हो गई है। और हमने डिश में जो ट्रांसफ़र किया था ठंडा होने के लिए सूजी और डेसिकेटेड कोकोनट, अब हम इसमें डाल देंगे गरम गरम अपने चाशनी में। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, और चाशनी में इसको डाल देंगे। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बहुत पतला है, ये गाढ़ा होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे इसमें हवा लगेगी वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। जब हम इसको फ्राई करते हैं, सूजी को भूनते हैं, तो ये फूल जाती है, और जब चाशनी में आएगी डाल देंगे हम, तो और ये फूलेगी। फिर धीरे 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 जैसे जैसे ठंडा होगा, जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा। और यहाँ एक फेस्टिवल लुक देने के लिए हम इसमें डाल देंगे फूड कलर, ये हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक चाशनी की तार बनाने के लिए हमने उसको लगातार उस पर नज़र रखी, चाशनी पे अपने स्पैचुला से उठा उठा के देखते रहे। अगर आपको लड्डू में मखमली टेक्सचर लाना है तो एक तार की चाशनी ज़रूरी है। इस पॉइंट पे आप इसको बर्फ़ी का शेप देना चाह रहे हैं तो किसी बड़े से डिश में निकाल के आप इसको जमा सकते हैं, बर्फ़ी की शेप में काट सकते हैं। लड्डू का शेप देना चाह रहे हैं तो आप लड्डू बना सकते हैं। और ये मिक्सचर हमारा यहाँ पे रेडी है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे ठंडा हो जाए। 1 घंटे के लिए हमने रख दिया था, और ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें लड्डू के शेप में छोटा छोटा सा पोर्शन लेंगे, और ऐसे इस शेप में बनाएंगे। और मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने जो 2 टेबल स्पून घी बचा लिया था बाद में मैंने वो भी ऐड कर दिया है इसमें। तो इस तरह से हमको गोले शेप में लड्डू का शेप देना है। सारे पीसेज ऐसे ही बना लेंगे हम। तो यहाँ पे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। मैंने इनको अपने तरीके से गार्निश कर लिया है, और आप अपने तरीके से गार्निश कर लीजिए। जो भी सामान आपके पास अवेलेबल हो आप अपने हिसाब से गार्निश कर लीजिएगा। तो ये मैं दिखाना चाहूँगी आपको, यहाँ पे लड्डू कितने मखमली खाने के बाद
आइसक्रीम की तरह मुंह में घुल जाने वाला टेक्सचर है इनका। इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये मिठाई कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।